हमको उम्मीद भी नहीं थी इन फोन में एनहांस एडिशन का अपडेट है वो आ सकता है। तो फाइनली गाइस, मेरा नाम है ऋषिराज और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 प्लस डिवाइसेस की जिसमें एनहांस एडिशन का अपडेट पिछले 2 या 3 दिन में रिलीज हुआ है, जिसमें 9 प्राइम है, 9 पावर है, रेडमी नोट 8 है, काफी सारे डिवाइस है। वीडियो के साथ बने रहिए, सभी बातें आपको बताने वाला हूँ। इसको कैसे डाउनलोड करना है, अगर आप मी पेल और टेस्ट में है या नहीं, डोंट वरी, सारी बातें आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप हमारे चैनल टेक रस को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपके पास कोई भी शायोमी का फोन है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इस नए अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले गाइस, Redmi 9 Power में गाइस यहाँ पर एनहांस एडिशन का या MIUI 12.5 का जो अपडेट है वो रिलीज हो चुका है। काफी दिनों से हमको इंतजार था कि अपडेट कब आएगा। तो फाइनली Redmi 9 Power में 12.5.4.0 का करीब 2.5 GB के आसपास उसके जो अपडेट है वो देखने को मिला है। बात करें यहाँ पर व्हाट्स न्यू की, तो इसमें क्या कुछ नया देखने को मिला है। तो करंटली गाइस इसमें आपको एंड्रॉइड 11 का अपडेट, MIUI 12.5 का अपडेट, लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट और गाइस जो सभी नए फीचर है वो देखने को मिल चुका है। तो गाइस काफी अच्छी बात होने वाली है अगर आप 9 पावर यूजर हो। इसके बाद गाइस 3 से 4 महीने के बाद नया अपडेट देखने को मिला है, वो है पोको F3 GT में। जी हाँ गाइस, फ्लैगशिप फोन में अपडेट सबसे लास्ट में मिला तो काफी अच्छी बात तो नहीं बोलेंगे, बट पोको है तो इतना आपको सहन करना ही पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर पोको F3 GT में 12.5.7.0 का लेटेस्ट एनहांस अपडेट है वो देखने को मिला है। उसकी भी जो साइज है करीब करीब 3 GB के आसपास देखने को मिल जाती है। डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में उसके जो लिंक है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद गाइस पोको X2 में अगेन MIUI 12.5.6.0 का एक अपडेट है वो रिलीज हुआ है। हमने यहाँ पर डेडिकेटेड पोको X2 के लिए वीडियो भी बनाया है यूट्यूब पर, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं। एनहांस एडिशन की बात करें, अगर पोको X2 में ये अपडेट आपको मिल चुका है और नहीं मिला है तो वेट करो, जैसे ही आ जाए डाउनलोड करो, क्योंकि इतना स्मूथ आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा जितना कोई भी अपडेट में देखने को नहीं मिला है। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, तीसरी बार पोको X2 में जो अपडेट है उसको रोल आउट किया गया है। इसके बाद आता है Redmi Note 9 Pro Max। जी हाँ गाइस, Redmi Note 9 Pro Max में भी 12.5.3.1 का जो अपडेट है उसको रोल आउट किया गया है। अपडेट की बात करें तो यहाँ पर बग्स परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट किया गया है, सिस्टम स्टेबिलिटी इम्प्रूव किया गया है, नया सिक्योरिटी अपडेट है वो देखने को मिला है। साइज की बात करें तो करीब करीब 600 MB यानी कि 600 MB के आसपास उसकी अपडेट की साइज है वो देखने को मिल जाएगी। डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल ही जाएगा। इसके अलावा बात करें MI 11 Lite, जिसमें ग्लोबल में 12.5.8 का जो अपडेट है उसको रिलीज किया गया है। चेंज लॉग की बात करें तो गाइस आपको यहाँ पर कुछ माइनर बग्स है उसका इम्प्रूवमेंट है वो देखने को मिला है। इसके बाद 9 Pro Max की तो मैंने बता ही दिया, 9 Power की अब बता दिया, MI 11 X Pro, जी हाँ गाइस MI 11 X Pro में 12.5.4.0 का अपडेट है उसको रिलीज किया गया है। एनहांस एडिशन आपको देखने को मिल जाता है, विथ मेमोरी एक्सटेंशन मिल जाता है, सितंबर 2021 का पैच अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा, लॉट्स ऑफ नए नए फीचर है मी 11 एक्स प्रो में देखने को मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बता देगा इस आपके पास कौन सा डिवाइस है और कौन सा अपडेट रन करता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें नेक्स्ट अपडेट की, जो कि वो है रेडमी नोट 8। जी हाँ गाइस, आपको भी यहाँ पर पता नहीं चला होगा कि रेडमी नोट 8 में भी अपडेट है वो आ सकता है। फाइनली 12.5.1.0 का अपडेट है, ग्लोबल अपडेट है गाइस वो रिलीज हो चुका है, इंडिया में अपडेट है जल्दी देखने को मिल जाएगा अगर आपको देखने को नहीं मिला है। OTA की बात करें तो OTA गाइस 12.0.2.0 से यहाँ पर जंप करके डायरेक्टली आपको 12.5.1.0 का अपडेट है वो देखने को मिला है। सोच भी नहीं सकते गाइस, जहां पर MIUI 12.5 नहीं मिला वहां पर एनहांस एडिशन हमको देखने को मिल चुका है। इंडियन यूजर डोंट वरी, आपको जल्द से जल्द जो अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। दिसंबर एंड तक वेट कर लो, सभी में ये अपडेट है वो मिल ही जाएगा। पोको X2 यूजर डोंट वरी, आपको नहीं मिला है कोई बात नहीं, आपको गाइस 1 या 2 ही वीक के अंदर अपडेट है वो देखने को मिलेगा। फाइनली बात कर लेते हैं पोको M2 की। जी हाँ गाइस, पोको M2 में लेटेस्ट अपडेट 12.5.3.0 विद गाइस आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट है वो देखने को मिल जाता है। चेंज लॉग की बात करें तो चेंज लॉग में गाइस आपको माइनर सा इंप्रूवमेंट ही लिखा हुआ देखने को मिलेगा, पर जब आप यूज करेंगे तो ढेर सारे नए नए फीचर है वो देखने को मिल जाते हैं। तो प्लीज गाइस मुझे कमेंट करके बताना आपको कौन सा डिवाइस है, आपने कौन सा अपडेट को यूज किया हुआ है।
आखिरी बात कर लेते हैं तो आखिरी बच जाता है पोको एक्स थ्री प्रो। तो गाइस पोको ने फिर से यहां पर रोल आउट किया है 12.5.5.0 एनहांस एडिशन इन द पोको एक्स थ्री प्रो। तो मोस्ट ऑफ पोको एक्स थ्री के मीन्स पोको के डिवाइस में अपडेट तो रिलीज कर दिया एक्सपेक्ट पोको एफ वन। पोको एफ वन में कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। जिस भी यूजर को डाउनलोड करना है वो बीटा रोम कस्टम रोम कुछ भी ट्राई करके इंस्टॉल कर सकते हैं। सो फाइनली गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो अपडेट ट्रिगर है पूरी बातें समझ में आ गई है, कौन से डिवाइस में अपडेट आया है वो भी पता चल गया होगा। तो मेक श्योर गाइस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे तो आपको सबसे पहले Xiaomi की थीम, Xiaomi के सेटअप, Xiaomi के अपडेट सब कुछ सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।